अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद अफजल, आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बाकी बातें बाद में करेंगे, सबसे पहले आपने कहना ये तो बायोलॉजी पार्ट टू है, तो ये बायोलॉजी पार्ट टू नहीं है, मेरे से कंपोज करते हुए मिस्टेक हो गई, ये बायोलॉजी पार्ट वन है। तो गाइज़ सबसे पहले तो ये करेक्शन कर लें आपके, आप बायोलॉजी पार्ट वन की पेयरिंग स्कीम देख रहे हैं, आप पार्ट टू की पेयरिंग स्कीम नहीं देख रहे। अच्छा गाइज़, अब ये है कि जनाब जो पहली दफ़ा देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, उसके बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। इसके अलावा जो है इसका लिंक जो है अपने सारे रिलेटिव्स के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, चाहे आपके वो कॉलेजेस के ग्रुप्स हैं, चाहे आपके फ्रेंड्स के या सोशल ग्रुप्स हैं, वो आप उनमें सब में ये लिंक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। तो गाइज इनफैक्ट मैं साथ में चाय पी रहा हूँ, साथ में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने भी चाय पीनी है तो बना के पी लें, अब इतनी दूर से मैं तो नहीं भेज सकता। एनीवे गाइस, हम टू दी पॉइंट बातें करते हैं और मुझे उम्मीद है कि आप आज थोड़े से फ्रेश होंगे, आपका केमिस्ट्री का पेपर हो चुका हुआ, आज दूसरा पेपर है, एक दिन का आपने रेस्ट भी ले लिया हुआ है। तो चलिए अब हम आगे प्रेपरेशन शुरू करते हैं। आई एम सॉरी फॉर दैट कि आज थोड़ा लेट हो गया, बिकॉज काफ़ी सारे प्रोफेसर्स के साथ मैंने रابطہ किया, तो आज चूँकि एंट्री टेस्ट की क्लासेज ऑन थी तो काफ़ी सारे टीचर्स जो थे एंटी टेस्ट की क्लासेस पढ़ाने में बिजी थे। तो गाइस कोई बात नहीं, आई एम हेयर विद यू पीपल। अभी मेरी फिर फ़ोन पे बात हुई है प्रोफेसर अली रज़ा साहब से, तो ही इज़ अ नाइस प्रोफेसर एंड नाइस फेलो एज़ वेल, तो थैंक्स टू हिम। अगर वो सुन रहे हैं ये वीडियो को तो सर आपका थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सारा गाइड कर दिया कि मैं बच्चों के लिए पेयरिंग स्कीम रिकॉर्ड कर सकूँ। तो गाइज़ ये मैं पेयरिंग स्कीम रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, ये सर अली रज़ा साहब के जो हैं इंस्ट्रक्शंस के ऊपर चलते हुए मैं आपको ये गाइड करने वाला हूँ। एंड डोंट यू वरी अबाउट, बड़ी जल्दी इसका गैस भी अपलोड हो रहा है, तो वो भी मैंने डिफरेंट प्रोफेसर से रिक्वेस्ट की हुई है, अभी जो मुझे हेल्प आउट कर देगा इंशाल्लाह मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो जाऊँगा। तो गाइज़ सबसे पहले हम बात करते हैं पेयरिंग स्कीम में MCQs की। तो गाइस जो MCQs हैं, बेसिकली MCQs ज़ूम आउट हो गया, बेसिकली जो MCQs हैं वो आप देख लें, MCQs जो इन चैप्टर्स में से एक एक आना है, मतलब चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 12, 13 में से, ये वो चैप्टर्स हैं जिनके अंदर से टोटल एक एक क्वेश्चन आना है। तो टोटल ये चैप्टर्स मिला के बनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 MCQs जो हैं इसमें से आएंगे। तो बाकी जो तीन चैप्टर्स हैं उनमें से दो दो आने हैं, मतलब चैप्टर 10, चैप्टर 11 एंड चैप्टर 14, तो 6 ये बन जाते हैं गाइस। तो टोटल 17 MCQs आपके आने हैं, और आपको पता है कि MCQs के अंदर कोई चॉइस नहीं होती, तो आपने ये सारे के सारे करने हैं। तो गाइस इनको सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होता है कि आप जो है, एक तो आप जो चैप्टर्स, हर चैप्टर के पीछे एक्सरसाइज होती है, एक्सरसाइज में जो MCQs दिए होते हैं आप उनको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एंड गाइस सेकेंडली जो है आप कर सकते हैं जी, जो थेरी है, थेरी को ज़रा आप अच्छी तरह से पढ़ें, और मतलब वैल्यूज़ वगैरह को अच्छी तरह से देखें जो इम्पोर्टेंट लिखे होते हैं। तो इस तरह से जो है ना, डिफरेंट जो हैं चैप्टर्स के अंदर जो जो प्रेजेंट हैं उनको आप देखें अच्छे तरीके से, थेरी में लाइंस के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, की पॉइंट्स लिखे होते हैं। तो एनी वे गाइज अब हम इसे आगे चलते हैं, आगे हम चलते हैं शॉर्ट क्वेश्चनिंग के पोर्शन पे। टोटल 22 शॉर्ट क्वेश्चंस करने होते हैं आपने, 33 शॉर्ट क्वेश्चंस में से, तो जिनके आगे पोर्शंस बने होते हैं, क्वेश्चन वन तो MCQs का होता है, तो हम क्वेश्चन टू की बात कर लेते हैं गाइस। क्वेश्चन टू जो होता है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है, और इसमें आपने 12 क्वेश्चंस में से 8 क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होते हैं, 16 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। तो गाइस इसमें जो चैप्टर्स शामिल हैं, दीज आर 1, 3, 5, 8 एंड 10, 1 में से 2 आने हैं, 3 में से 3 आने हैं, 5 में से 1 एंड 8 में से 2 एंड 10 में से 4। तो गाइज दिस इज़ वेरी क्लियर, अब हम यहाँ स्मार्ट प्रिपरेशन करेंगे, हम पागलों की तरह प्रिपरेशन नहीं करेंगे। जिस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आने का चांस है और वो चैप्टर करना भी हमारे लिए फिजिबल है और आसान है और ईजी है, हम उस चैप्टर को पहले करेंगे। तो गाइज़ यहाँ पर देखें, मैं सजेस्ट करता हूँ, मैं नहीं सर अली रज़ा साहब सजेस्ट कर रहे हैं, आप चैप्टर 1 पहले करें, उसके बाद चैप्टर 10 तो सीधा सीधा देखें ना, उसमें से 4 क्वेश्चंस आने हैं। आप चैप्टर जो 10 है वो वेरी फर्स्ट करें, सबसे पहले करें। अब देखें चैप्टर जो
5 है उसमें तो एक ही क्वेश्चन आना है, उसको एक साइड पे कर दें। चैप्टर 3 को ज़रूर करें और चैप्टर 1 और चैप्टर 8 दोनों में से एक एक आना है। तो इसमें से जो सर अली रज़ा साहब की सजेशन है वो यही है कि चैप्टर 1 जो है उसको प्रेफर करें, बिकॉज वो थोड़ा ईजी चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 की नस्बत। तो गाइज़ इस पोर्शन के 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आप चैप्टर नंबर 1, 3 and 10 करेंगे, और यहाँ पर आप अभी पहले इनको रिवाइज करें, चैप्टर 5 and 8 को फ़िलहाल चॉइस में छोड़ दें। आप पहले अपने 8 क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें, एक्स्ट्रा का काम हम बाद में करेंगे। अच्छा गाइस, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाएं। तो वाइल टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी वही कंडीशन है कि आपने 12 में से 8 क्वेश्चंस करने होते हैं, 16 मार्क्स का ये भी पोर्शन होता है। तो गाइस चैप्टर्स जो हैं इसमें चैप्टर 6 है, 7 है, 9 है, 11 है एंड 12 है। चैप्टर 6 जो है इसमें से एक क्वेश्चन आता है, चैप्टर 7 जो है इसमें से 4 क्वेश्चंस आते हैं, चैप्टर 9 जो है इसमें से 2 आते हैं, 11 में से 2 आते हैं, 12 में से 3 आते हैं। तो गाइस सिंपल सी बात है जो इससे नज़र आ रहा है, 7 एंड 12 तो आपने करना ही करना है। अब आगे 6 को छोड़ दें, उसमें से जस्ट एक क्वेश्चन आना, उसको चॉइस में रख लें। बाकी बात रह जाती है चैप्टर नंबर 9 की, चैप्टर नंबर 11 की। गाइस इसमें से जो अगर हम ईजी लेवल देखें तो चैप्टर 11 का है, तो चैप्टर 11 को प्रेफर करें। मतलब ये कि इस पोर्शन में से आप पहले चैप्टर 7, 11 एंड 12 करेंगे, वाइल चैप्टर 6 एंड 9 को अभी आप चॉइस पर छोड़ देंगे, पहले आप 7, 11 एंड 12 चैप्टर तैयार करें। ओके गाइस, अभी से थोड़ा सा आगे चलते हैं। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 3, 4 है, इसमें गाइस 8 नहीं है, ये मिस प्रिंटेड है, ये लास्ट टाइम भी मिस प्रिंटेड था, बस मैं सही नहीं किया, मैंने भूल गया। तो इसमें से 6 क्वेश्चंस करने होते हैं, आपने 8 नहीं करने होते, 9 क्वेश्चंस आपको इसमें से आते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप चैप्टर 2, चैप्टर 4, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14 है। तो गाइज़ इसमें से चैप्टर 2 में से 1 क्वेश्चन है, चैप्टर 4 में से 2 क्वेश्चन है, चैप्टर 13 में से 4 हैं, चैप्टर 14 में से 2 हैं। गाइज़ चैप्टर 13 जो है उसको तो लाजमी करें, उसमें से तो 4 क्वेश्चन आने हैं। आगे आ जाता है चैप्टर 2, उसको तो छोड़ें, उसमें से तो क्वेश्चन ही एक आना है। आगे 4 and 14 है, तो 4 जो है बकौल अली रज़ा साहब के चैप्टर 14, चैप्टर 4 है वो प्रेफर करें। चैप्टर 14 बहुत लेंथी है, इतना लेंथी चैप्टर करके आपको जस्ट 2 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो बेटर है कि आप चैप्टर 4 कर लें। तो इसमें से आप चैप्टर 4 and 13 अगर करते हैं, तो 4 and 13 करके आपके जो है टोटल 6 क्वेश्चंस पूरे हो जाते हैं। फिर आप एक्स्ट्रा में 2 and 14 को आप जो है इसको एक्स्ट्रा में रख लें आप। तो अभी अगर आप सिर्फ चैप्टर 1, 3, 4, 7, 9, 10, 12 and 13 को कर लेते हैं पहली अटैम्प्ट में, गाइज आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पोर्शन है 22 शॉर्ट क्वेश्चंस का वो पूरा हो जाता है, और आपके 22 शॉर्ट क्वेश्चन विदाउट चॉइस कंप्लीट हो जाते हैं। चलें, आपने शॉर्ट क्वेश्चंस का 44 मार्क्स का पोर्शन कवर कर लिया। अब यहाँ पर गाइज एक सजेशन है, जो वीक स्टूडेंट्स हैं, वीक स्टूडेंट समझते हैं कि अगर वो इतने सारे चैप्टर्स नहीं कर सकते तो वो चैप्टर नंबर 3, 7, 10 and 13 ये कर ले, ये मेजर चैप्टर्स हैं, इनको करने से उनके एटलीस्ट 15 क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो अटैम्प्ट हो जाते हैं। तो 15 क्वेश्चंस अगर आप शॉर्ट में अटैम्प्ट कर लेते हैं, आपके टोटल 30 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, कुछ MCQs में आ जाएंगे तो आपके फिर भी ठीक नंबर बन जाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो समझते हैं कि उनकी तैयारी है ही नहीं, तो वो इन चैप्टर्स को पहले कर लें, इनके शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छे तरीके से कर लें। बाकी पहली अटैम्प्ट में चैप्टर 2, 5, 6, 8, 11 and 14 गाइज ये चैप्टर्स आप जो है वो आप छोड़ दें चॉइस में। तो इसके अलावा आपका जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का 100% पेपर चॉइस के बगैर मुकम्मल हो चुका है, आपके पास चॉइस कोई नहीं होगी। अच्छा गाइज, उसके बाद हम बात करते हैं जिससे अगली बात देखें। अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें, लॉन्ग क्वेश्चन बेसिकली जो है ये 24 मार्क्स का पोर्शन होता है, इसमें से 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं ए बी पार्ट के साथ, और आपने जिनमें से 3 करने होते हैं। तो गाइज इसमें देखें, सॉरी टी ब्रेक था। अच्छा तो गाइज इसमें देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में है 1+14 है, 6 में 2+8 है, 7 क्वेश्चन में 6+9 है एंड 8 क्वेश्चन में 5+11 है, और 9 क्वेश्चन में 4+12 है। अब गाइज सजेशन ये हैं, टॉप प्रायोरिटी पे रखें चैप्टर 2+8 को, सबसे पहली प्रायोरिटी इसको तैयार करें। सेकंड प्रायोरिटी आप दें 4+12 को, आपके 2 क्वेश्चंस तैयार हो गए। थर्ड प्रायोरिटी दें आप 5+11 को। अब आप ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेंगे, आपका 100% पेपर चॉइस के बगैर कवर हो जाता है। अब आपका सारा पेपर कवर हो चुका हुआ है, अब आप एक्स्ट्रा काम करने की तरफ जाएं। एक्स्ट्रा करना है तो पहले शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जाएं। आप क्या करें, 5+8, इन दोनों में से एटलीस्ट एक चैप्टर कर लें जो आपको इजी लगता है, 6+9 में से एक चैप्टर कर लें,
2+14 में से एक चैप्टर कर लें, 3 चैप्टर एक्स्ट्रा हो गए आपके, इनमें से एटलीस्ट हर पोर्शन में से 2-2 शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, प्रिपेयर हो जाते हैं। रादर अगर हम बात करें 5+8 की, तो इसमें देखें 5+8 में 5 में से तो एक क्वेश्चन आना है, तो फिर बेटर है आप 8 चैप्टर करें ताकि आपके 2 एक्स्ट्रा हो जाएँ। अगर हम आ जाते हैं अगर हम आ जाते हैं 6+9 वाले चैप्टर्स पे, तो आप इसको भी देखें, 6 में से तो एक आना है, 6 को दफ़ा करें। अब 9 चैप्टर को करें, आपके यहाँ पर भी 2 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हो जाते हैं। अब आप एक्स्ट्रा चॉइस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से देखें, यहाँ पर अगर क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर 2 की बात करें, तो सिर्फ एक क्वेश्चन आना, उसको रहने दें। आप चैप्टर 14 करें, ताकि चैप्टर 14 करने से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएं, यहाँ भी 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे। इसी तरह से आपके टोटल 6 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाएंगे, और 3 चैप्टर्स को बिल्कुल ड्रॉप करके भी आपके पास 28 क्वेश्चंस जो हैं वो पेपर में होंगे। तो गाइस, अब लॉन्ग क्वेश्चन को फिर प्रिपेयर करें। अगर आपने चौथी प्रायोरिटी देनी है, तो 1+14 चैप्टर करें, और 4 प्रायोरिटीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आप बड़े बहादुर हैं। 5वीं प्रायोरिटी को ना करें, या उसमें से गैस लगा लें, गैस लगा के तो वो कर लें। गैस भी खैर मैं अपलोड करने वाला हूँ सुबह तक, इंशाल्लाह हो जाएगा, डोंट यू वरी अबाउट। तो गाइज, दैट्स द पेयरिंग स्कीम फॉर यू पीपल। सॉरी, चाय पी रहा था। अच्छा, तो गाइज ये पेयरिंग स्कीम है आपके लिए। तो अब ये है कि आप लोग जो है इस पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इसको अच्छी तरह देखें, अपनी बुक पे निशान लगा लें मेरी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। मीनवाइल मैं कोशिश करता हूँ कि इसका गैस जो है वो भी मैं अपलोड कर दूँ। बाकी गाइस अपना ख्याल रखिएगा, और इसका लिंक जो है चैनल का वो शेयर ज़रूर करिएगा अपने क्लास फेलोज़ के अंदर, अपने फ्रेंड्स के अंदर, दूसरे सिटीज़ के लोगों में भी, और बस वायरल कर दो यार मुझे। तो बाकी थैंक यू सो मच यार, अल्लाह हाफिज़।